प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पूरा पेपर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाए, क्योंकि ए टू जेड पूरा का पूरा आपका जो पेपर है ना, उसका सोल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं का आपका विषय हिंदी का पेपर किस प्रकार का आया है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आप जैसे सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो चलिएगा, आप देखते हैं और समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर मैं यहां पर लेकर आप सभी के लिए हाजिर हो चुका हूं, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जाएं, ताकि आप सभी को पूरा ये पेपर समझ में आ सके। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर कक्षा 9वीं विषय हिंदी को। तो देखिएगा, टोटल आपका 3 घंटे का पेपर होगा और इसके लिए आपको 75 नंबर दिए जाएंगे, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। अब इसके अलावा जैसे आपके हाथ में पेपर आता है तो यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि यहाँ से निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके 30 अंक आपको दिए जाएंगे। पूरे के पूरे निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और निर्देशों के नीचे से यहीं से आपके पेपर की शुरुआत होती है। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखना है, चलिएगा समझते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो देखिएगा, सम्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आदर। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, आदर बन लेना है। अगला लिखा है, कबीर कर्मकांड के थे, क्या थे, विरोधी थे, अनुयायी थे, प्रेमी थे या उदासीन थे। तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा विरोधी थे। उसके बाद अगला प्रश्न, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएँ होती है। तो देखिएगा, 16-16 मात्राएँ होती है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो इसका तीसरे का उत्तर आपको आ लगा कर आना है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो देखिएगा, निपात शब्द कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो देखिएगा, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए। तो देखिएगा, ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुंच गए, तो इसका उत्तर आ जाएगा गधे में। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे, क्या माने जाते थे, साहब। तो यहाँ से आपको इसमें साहब भर लेना है। अब उसके बाद में देखिएगा, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 लिखा है, जिसमें कि क्या दिया गया है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो रिक्त स्थानों में शब्द सही चुनकर आपको किस प्रकार से लिखना है, तो देखिएगा, पहला लिखा है, छत चढ़ने के लिए चाहिए। तो देखिएगा, ये जीना आ जाएगा इस जीने में, और इस जीने में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें थोड़ा सा बिंदी रखी गई नीचे, तो यहाँ पर आपको ये भर लेना है। रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बुनूँ तो पर्वत का ही बनूँ। तो देखिएगा, इस जगह पर आपको क्या लिख लेना है, गोवर्धन पर्वत का ही बनूँ। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य के भेद होते हैं। तो देखिएगा, सभी लोगों को पता है काव्य के 2 भेद होते हैं। उसके बाद में, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं, तो देखिएगा, उसको कहते हैं अनपढ़। इस जगह पर आपको क्या कर लेना है, अनपढ़। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है। तो देखिएगा, लेखक के अनुसार टोपी किसका प्रतीक है, सम्मानी व्यक्ति का प्रतीक है टोपी। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं। तो देखिएगा, जो अधिक बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। यहाँ से आपको क्या लिखना है, वाचाल। उसके बाद में, दुष्ट व्यक्ति के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। तो देखिएगा, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। तो देखिएगा, इस जगह पर आपको क्या भर लेना है, प्रणेता। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पूरा पेपर हल कर लेना है। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों, आपको जोड़ी का मिलान देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जोड़ी का मिलान भी पूरा अच्छे से देख लें और पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा, जोड़ी मिलान में पहला प्रश्न पढ़ते हैं, कैदी और कोकिला। तो देखिएगा, कैदी और कोकिला की जोड़ी मिल जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी से। उसके बाद में लिखा है, पीपर पात सरिस्मन डोला। तो देखिएगा, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। 2 बेलों की कथा, इसमें प्रेमचंद आ जाएगा। प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई से मिल जाएगी। बादल की जोड़ी घन से मिल जाएगी। मेरे संखी औरतें, इसकी जोड़ी मृदुला गर्ग से मिल जाएगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सभी लोगों को जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर बताऊँगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। देख सकते हो, पूरा का पूरा रियल पेपर हमारे पास में आ चुका है और आज मैं आपको पूरा का पूरा आपका जो रियल पेपर है ना, उसका फुल सोल्यूशन बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका
पेपर में से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेज नंबर एक पे जितनी चीज़ें दी गई थी उन सभी का सॉल्यूशन तो मैं आपको दे चुका हूँ। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के पेज पर क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप लोग पूरा वीडियो देख कर जाओगे ना तभी जाके आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग भी जानते हो कि अर्धवार्षिक के पेपर भी पूरे के पूरे मेरे द्वारा बताए गए थे। अब मैं आपको त्रैमासिक के भी पेपर बताए थे मैंने, और अब मैं आपको अर्धवार्षिक के भी पूरे पेपर बताने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा के भी सारे पेपर मैंने बताए आपको, और अब मैं आपको अर्धवार्षिक के भी सारे पेपर बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी को वार्षिक परीक्षा के पेपर भी देखने को मिलेंगे और पूरे के पूरे रियल वाले, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि हमने इन प्रश्नों को देख लिया था। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका आगे का पेपर, आप सब लोग यहां से इसको देख पढ़ो, समझ सकते हो। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4 लिखा है, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो सत्य असत्य को आपको किस प्रकार से समझना है, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में सत्य असत्य आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न लिखा है, रस खान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये भी असत्य होगा। प्रेमचंद के जूते फटे थे, ये भी सत्य होगा। मोटाए शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, ये भी सत्य होगा। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, तो देखिएगा ये भी सत्य हो जाएगा। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे लिखना है, पहला प्रश्न पढ़ते हैं, कैदियों के हाथों में क्या होता था, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ होती थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो देखिएगा अनुप्रास अलंकार होता है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो देखिएगा पत्नी के साथ में वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे। अब उसके बाद अगला प्रश्न, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, तो इसमें 8 सर्ग होते हैं। कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है, तो बीजक है। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो देखिएगा इनको कहते हैं आगत शब्द। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि वे स्वर्ग चली गई थी, यानी कि उनकी मौत हो गई थी। तो देखिएगा इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को अपने पेपर को समझ लेना है। अब इसके बाद में देखिएगा ये आपके प्रश्न हैं। देखिएगा मैं चाह तो ये रहा था कि आपको फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दे दूँ, मगर आपकी परीक्षाएँ भी पास में आ चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं आपको आपके 30 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके उत्तर बता देता हूँ और बाकी पूरा पेपर बता देता हूँ, जिसमें से कि जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए उनका सॉल्यूशन आप लोग याद कर लें, और बाकी के क्वेश्चन में बहुत ही जल्दी आपको फुल सॉल्यूशन दे दूंगा। अभी तक मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन दे दिया है, बहुत ही जल्दी मैं आपको प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक का सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। मगर आप लोग पेपर तो पूरा देख लो, जिससे कि आप सभी को यह समझ में आ जाए कि किस प्रकार का आपका पेपर आ रहा है और कैसे आप सभी को इनको याद कर लेना चाहिए। ये इतने सारे प्रश्न होंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में इधर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। नाटक और एकांकी में अंतर पूछे जाएंगे। हरिशंकर परसाई की साहित्यिक शैली पूछी जाएगी। निपात शब्द किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो सारे के सारे प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं, जो कि आप सभी से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 को देख ले, 17 को देख ले, 18 को देख ले, 19 को देख ले। अब इसके बाद में देखिएगा और बाकी के जो प्रश्न हैं ना आपसे जो पूछे जा रहे हैं उनको भी मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप सभी की पूरी तैयारी हो जाए। तो देखिएगा अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 19 में, और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 20 में आपको काव्यांश का संदर्भ प्रसंगसहित व्याख्या करनी है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 ये रहा, और 22 ये रहा, और 23 ये रहा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को आपका पूरा का पूरा पेपर बता दिया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। आप सभी लोगों से निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों कि आप सब लोग इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में यही वाला पेपर आने वाला है, और बहुत ही जल्दी आप सभी को इसका फुल सॉल्यूशन भी दे दूंगा। मगर प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब अगर आपको सभी विषय के पेपर देखने हैं तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप लोग सभी विषय के पेपर को देख लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।